Hi friends, you are welcome at our channel, and today we are going to discuss about the range, that's the measure of dispersion, and we will discuss it through an example. So let's go to the video. Hi friends, तो आज हम एक दूसरे मेजर की बात करेंगे जो कि होता है रेंज. और जो डेटा डिस्पर्सन की जब भी हम बात करते हैं तो ये सबसे एक आसान मेजर होता है आपको डेटा के डिस्पर्सन को चेक करने के लिए कि आप उसकी रेंज को कैलकुलेट कर लें. तो एक सिंपल जो डेफिनेशन है वो रेंज ही, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट इज कॉल्ड रेंज. ठीक है, तो मतलब जो भी आपके पास डेटा सेट गिवन है, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे कम वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं. ठीक है, अब जब हम रेंज कैलकुलेशन की बात करते हैं तो अब जब भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होता है तो तीन टाइप का हम पे डेटा होता है. अब देखिए, एक तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती हैं, ठीक है, एक हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, एक हमारे पास जो डेटा है वो दूसरा है हमारे पास डिस्क्रीट टाइप का डेटा. तीन टाइप का डेटा तो आपने बहुत पहले से पढ़ा ही है. जब भी हम चाहे मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, कोई सी भी चीज़ निकाल रहे हो, आपके पास ये तीन टाइप के डेटा सेट्स होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस. ठीक है, अब देखिए एक एक करके चेक करते हैं. अब देखिए, इंडिविजुअल टाइप का डेटा अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है 2, 2, 3, कोई डेटा सेट्स हमको दिए हुए हैं 5, 7, 9, 1, 0, 8, 10. ठीक है, मानो ये हमारे पास डेटा सेट्स गिवन है. अब देखिए ये हमारे पास कितनी सारी वैल्यू आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, 9 हमारे पास डेटा सेट्स हैं. अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसमें से रेंज निकालनी है. अब रेंज निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यह है आपका लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. अब देखिए लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से क्या है, 10, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0. तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो ये जो डेटा है इसकी रेंज हो गई आपकी 10. अब देखिए, अब आपके पास है डिस्क्रीट टाइप का डेटा. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल के हम पे क्या है, फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल हमने बोला भाई कि 50 जो नंबर हैं किसी एग्ज़ाम में कितने बच्चों के आए, हमने बोला जी 5 बच्चों के आए, 60 आए हैं 3, 70 आए हैं 5, 80 आए हैं 9, 90 आए हैं 5 और 100 आए हैं आपके 2. ठीक है, तो इस टाइप का जो डेटा होता है, इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सॉर्ट ऑफ डेटा. रेंज का फॉर्मूला फिर सेम यूज करना है, एल माइनस एस. अब देखिए, अब जब हम वेरिएबल को पिक करेंगे, अब देखिए वेरिएबल क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा 100 और सबसे जो छोटा जो वेरिएबल है वो है 50. तो हमारे पास जो रेंज हो गई इस डेटा सेट की वो हो गई 50. ओके, अब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डेटा पे चलते हैं. अब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डेटा में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक क्लास और एक है फ्रीक्वेंसी. अब हमारे पास जो क्लास है कि 0 से 10 नंबर के बीच कितने बच्चों के आए, तो हमने बोला भाई 2 बच्चों के आए, 10 से 20 के बीच 5 लोगों के आए, 20 से 30 आए 6 लोगों के, 30 से 40 आए 4 लोगों के, और 40 से 50 आए 10 लोगों के. ओके, तो अब ये जो डेटा है इस डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा. अब देखिए इस कंटिन्यूस डेटा में भी फिर आपको रेंज निकालनी है, फॉर्मूला सेम एल माइनस एस. अब लार्जेस्ट वैल्यू को आप चेक कर लेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 50 है यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, तो हो गया आपका 50. ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपको पिक करना है और ये आपको बिगेस्ट वैल्यू को पिक करना है. अब देखिए जब हम रेंज कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, चाहे वो कोई सा भी हो, आपके पास इंडिविजुअल डेटा हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है और कंटीन्यूअस डेटा भी हो सकता है. तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपके पास सिंगल सा ही फॉर्मूला है, L माइनस S अपॉन L प्लस S. मतलब 50 माइनस 0 इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, इन केस ऑफ दिस कंटीन्यूअस सीरीज डेटा, राइट. तो 50 प्लस 0, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 50, तो रेंज कितनी हो गई इसकी, 1. क्लियर है. वैसे अगर इस केस में अगर हम निकाल लें, इस डिस्क्रीट के केस में अगर हम कोफिशिएंट निकाल लें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो एल माइनस एस आपका 100 माइनस 50 हो गया 50 अपॉन 150. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके जो भी आएगा, तो ये आपकी इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया. वैसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है क्योंकि एक वैल्यू 0 है. अगर मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, 1. ऑलराइट,